हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपका परमानेंट जॉब रहेगा। और यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है उसके अंदर गेट स्कोर कार्ड नहीं चाहिए। विदाउट गेट स्कोर कार्ड के बेस पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी बहुत ही तगड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी जॉब का रहने वाला है 65,000 रुपये से लेके यहाँ पे 1,70,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं मैं इस मुद्दे पे कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रांचेस कौन कौन सी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बता दूंगा ताकि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। जो बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है वो वीडियो को कंटिन्यू पूरा देख लेना, और अगर आप एलिजिबल नहीं रहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमको मोटिवेशन मिलता रहता है। और इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट रहेगा 800+ आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर करना है बिना कंजूसी किए। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो मोटिवेशन बना रहता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता दीजिएगा, और कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं उसके बारे में जरूर से कमेंट करके बता देना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही जॉब अपडेट देने की कोशिश करूंगा जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। और जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं मेरे को पता नहीं चलेगा, इसलिए कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब बात करी जाए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांचेस भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सिविल ब्रांच एलिजिबल रहेगी। सिविल से अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है इसको अप्लाई कर सकते हैं, और सिविल से रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है इसको अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल रहेंगे, और इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग कर रखा है इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल ब्रांच भी यहाँ पर एलिजिबल रहेगी, और मैकेनिकल से रिलेवेंट ब्रांच भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको गूगल ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियली वेबसाइट देखने को मिलेगी। आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे ही चले जाना है। तो जैसे आप ऑफिशियली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन दिख रहा है लेटेस्ट न्यूज़ का। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वैसे आप यहाँ पे इनके कैरियर वाले पेज पे भी आ सकते हैं, और वहाँ से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा है कैरियर का, तो आपको डायरेक्टली इस कैरियर वाले पेज पर करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन होगा, फिर स्क्रॉल डाउन करेगा और आप डायरेक्टली यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन में जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा जो आप अभी वीडियो देख रहे हो। साथ ही साथ मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैं आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रीमियम टाइप की जॉब अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। 1 रुपये भी आपको ज्वाइन करने का कोई भी पैसा पे नहीं करना। लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया है, तो जल्दी से जल्दी जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको प्रीमियम जॉब अपडेट भी देखने को मिल जाएगी, और ये नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मैंने अपलोड कर रखा है। बात की जाए वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी जो निकाली गई यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जो कि यहाँ पे सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगी, परमानेंट जॉब यहाँ पे आपकी रहने वाली है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे यह है कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहेगा उसके अंदर गेट स्कोर कार्ड नहीं मांगा, तो ये वैकेंसी विदाउट गेट स्कोर कार्ड के बेस पे आपकी रहने वाली है।
अब बात की जाए यहाँ पे ऊपर ऊपर तो इन्होंने कंपनी का ब्यौरा दे रखा है और इन्होंने बता रखा है यहाँ पे 2032 तक इनका 130 गीगावाट का प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा जो कि बताया गया है। अब बात करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन देखने को मिलेगी और कौन कौन सी ब्रांचेज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो रहेगा असिस्टेंट मैनेजर का पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। पूरा चार्ट मेंशन किया है जिसमें बता रखा है डिसिप्लिन कौन सा रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी, अपर एज लिमिट क्या रहेगा और आपका सैलरी क्या रहेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। तो अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के अंदर यहाँ पे बीबीटेक कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल के अंदर बीबीटेक कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने सिविल के अंदर बीबीटेक कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट गेट स्कोर कार्ड के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मिनिमम आपके पास एक साल तक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपने किसी भी एमएनसी कंपनी में काम कर रखा है पूरे एक साल तक तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन भी जो आपकी रहेगी असिस्टेंट मैनेजर तक का पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात की जाए इलेक्ट्रिकल के अंदर 12 वैकेंसी निकाली गई है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर 30 वैकेंसी निकाली गई है और सिविल डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे 24 वैकेंसी निकाली गई है। एज क्राइटेरिया जो रखा गया है यहाँ पे रखा गया है 35 ईयर जो कि रहेगा यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप जनरल या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो आप 35 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा जो कि आपका रहेगा यहाँ पे अगर आप OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पे 38 ईयर के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पे SST कैंडिडेट हैं तो अगर आप 40 साल तक के हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको सैलरी देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे E3 ग्रेड का सैलरी यहाँ पे रहने वाला है। एग्जीक्यूटिव लेवल 3rd ग्रेड का सैलरी रहेगा 60,000 रुपये पर मंथ से लेके 1,80,000 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आप इनके करियर वाले सेक्शन में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट किया जाएगा वो यहाँ पे किया जाएगा 31 मार्च 2023 से, मतलब कि कल की डेट के अंदर ये अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, इसका अप्लाई लिंक यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप में से किसी को अप्लाई वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बता दूंगा जिसमें मैं आपको टोटल इसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 14 अप्रैल 2023 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टोटल यहाँ पे ऑनलाइन मीडियम में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना, ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके अंदर आपका इंटरव्यू रहेगा, उसी के बेस पर आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। परमानेंट सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए यहाँ पे लगा के आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही जॉब अपडेट देने की कोशिश करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।